चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यानी कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हर एंगल को आपको 60 डिग्री प्रूव करना है। लेट से ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लिख लें AB is equal to AC। क्यों? क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मान लेते हैं कि साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। तो आपका एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर होगा। और या फिर मैं लिख सकता हूं कि जो आपकी साइड है BC वो बराबर है AC। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, इस बात को आप यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने साइड के बाद बोल दिया कि एंगल भी बराबर होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दें, एंगल B जो है एंगल C के बराबर है और यहां पर देखिए एंगल B जो है वो एंगल A के बराबर है। इसका सिंपल सा मतलब है, यू कैन राइट देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यानी कि तीनों एंगल आपस में बराबर हो चुके हैं। ओके, अब यहां पर आप एंगल सम रूल का यूज करेंगे। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिस तरीके से आपने यहां पर लिखा एंगल A जो है वो B के बराबर है, B जो है वो C के बराबर है, तो हम तीनों एंगल्स को x मान लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका x डिग्री है, ये भी आपका x डिग्री है और ये भी आपका x डिग्री है। तो आप यहां पर x ही रखेंगे, x प्लस x प्लस x। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल आपके बराबर हमने यहां पर प्रूव कर दिए। इसके बाद 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा यहां पर सॉल्व होके 60 डिग्री। और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हर एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने सभी एंगल्स को x माना है, इसका सिंपल सा मतलब है हर एंगल का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। ओके, तो आपने यहां पर प्रूव कर दिया कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था। ओके, आपने यहां पर यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। एंगल्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू ईच अदर, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आपके पास तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी और इसके एंगल हो गए आपके एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है ये आपका इक्विलेटरल है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो अगर यहां पर हम मान के चले एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ओके, फर्स्ट कंडीशन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट मीन्स ए बी जो है वो आपकी ए सी के बराबर होगी। ओके, इसके बाद मैं ले लेता हूं दूसरी कंडीशन, एंगल ए जो है वो आपका एंगल सी के बराबर है। इसके बाद हम बोल सकते हैं ए बी आपकी बराबर होगी, देखिए सी बराबर है इसका मतलब बी सी के बराबर होगी। ठीक है, दैट मीन्स जब आपको एंगल गिवन था कि इक्वल है तो उसके बाद आपने साइड भी बराबर कर दी। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा है हमेशा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसी तरीके से जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर ये तो प्रूव कर दिया कि साइड्स सारी की सारी बराबर हैं एक दूसरे के। लेट्स से ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दैट मींस AB इज इक्वल टू AC
एसी इज इक्वल टू बीसी, ओके, तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। देखिए ये तो हुआ आपका फर्स्ट कंडीशन, ओके, जो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए प्रूव करना था, साइड्स आपने बराबर कर दी, लेकिन एंगल भी आपको बराबर प्रूव करना है। तो देखिए आपको एंगल सभी इक्वल गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स सभी के सभी बराबर हैं। सेकंड कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, एंगल्स आपको 60 डिग्री प्रूव करने हैं। उसके लिए देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर एंगल्स एबीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स एंगल्स सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हैं, ओके, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो आप उनको लिख सकते हो, तीनों को आप एक ही नाम दे दीजिए, ठीक है, नामकरण हो गया इनका तीनों का, एक्स के बराबर हो गए, ठीक है, तो एंगल ए बी आपका एक्स हो गया, एंगल बी भी एक्स हो गया और एंगल सी भी एक्स हो गया। अब आप यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू हमने क्या माना है, एक्स, एंगल बी का एक्स, एंगल सी का एक्स, तो चलिए फटाफट से यहां पर एक्स रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स का वैल्यू फटाफट से निकालो, जल्दी से आएगा 60 डिग्री, है ना, एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास 60 डिग्री, इसका मतलब है ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री, है ना। देखो कितना सिंपल था, आपको सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, सबसे पहले आपने क्या देखा कि एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो आपने सोचा चलो ठीक है एंगल्स बराबर हैं लेकिन आपको 60 डिग्री गिवन नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा यहां पर ध्यान दिया कि जब एंगल्स बराबर होते हैं तो साइड्स भी बराबर होती हैं, ओके, इसके बाद आपने यहां पर साइड्स को बराबर कर दिया, पहली कंडीशन यहां पर फुलफिल हो गई। इसके बाद आपको स्ट्राइक किया कि एंगल्स बराबर हैं, तो चलिए इनको एक ही नाम देके एंगल्स हम रूल यूज करके यहां पर हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो एक एंगल का आपके पास वैल्यू आ गया, इसका मतलब बाकी जो एंगल्स हैं उनका वैल्यू भी सेम होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है एबीसी, मैंने यहां पर इसको ड्रॉ कर लिया है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एंगल ए, ठीक है, स्पेसिफाई यहां पर किया हुआ है कि एंगल ए ही जो है वो आपका 90 डिग्री है, तो यहां पर मैंने एंगल ए को 90 डिग्री मान लिया और यहां पर गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी मैंने यहां पर मार्क कर दिया। उसके बाद फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, तो एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए यहां पर आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि बी और सी का वैल्यू क्या होगा, किस तरीके से, जब आपकी साइड्स बराबर हैं, ओके, जब आपकी साइड्स बराबर हैं तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए सर एंगल भी बराबर होंगे, ओके, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ओके, मेरी बात आ गई समझ में, दैट मीन्स ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो एक आपका 90 डिग्री हो चुका है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है, दैट मीन्स दोनों बराबर हैं तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। अब आप यहां पर ऐड कर लीजिए 45 प्लस 45 प्लस 90 दैट मीन्स 180 डिग्री, ओके, तो क्या हमने यहां पर कुछ कैलकुलेशन की, नहीं की, सिर्फ इस फिगर को ध्यान से देखकर ऑब्जर्व करके हमने कैलकुलेशन कर ली और यहां पर आंसर निकाल लिया कि इनका वैल्यू होगा 45 डिग्री ईच, ठीक है, लेकिन चलिए हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने पढ़ा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसी तरीके से जब आपके पास साइड्स बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगे, तो जैसे ही आपकी साइड्स बराबर होती हैं आप बोल सकते हो एंगल बी
जो है वो आपका एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, जब साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद लेट से हम मान लेते हैं यहाँ पर कि दोनों ही जो आपके एंगल्स हैं वो एक्स के बराबर हैं। अब आप एंगल सम रूल का यूज करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का। अब आप यूज करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या है, एक्स डिग्री, एक्स प्लस एक्स, और एंगल ए का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ओके, ये आपका 90 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2। और देखिए यहां पर हमने यही तो सॉल्व किया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल B और एंगल C का वैल्यू हमने x माना था, और x का वैल्यू क्या निकल के आया यहां पे, x डिग्री का वैल्यू है 45 डिग्री। ओके, तो दोनों का वैल्यू हो गया आपके पास 45 डिग्री।